Anymore, bro, my ass is paining. Oh, fuck. What's up, Bangalore? So, welcome back to my channel, Life on R15. I'm Dinesh, and आप तो जानते ही हो, जो नए हैं वो नहीं जानते हैं, बहुत जल्दी जानने लग जाएंगे अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चलो हमारे चैनल में आपका स्वागत है गाइस। तो इस चैनल में हम पल्सर NS के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरा राइड आज ही खत्म हुआ, आज है 19th of November और राइड खत्म किया, मैं भी चलाया गाड़ी को, मेरा दोस्त जो अभी था कजिन ब्रदर वो भी चलाया, सडन प्लान बन गया था, सुबह सुबह उठे ही लेके चला गया गाइस। लाइक 7 बजे फोन आया, बोला 8 बजे रेडी रहो, मैं सोचा मजाक कर रहा है, सो रहा था यार 8 बजे तक, सोचा वीडियो आराम से आपके लिए एडिट कर दूं, आज भी ब्लॉग नहीं आया बिकॉज नंजुड़गुड़ चला गया था। तो आते वक्त हम सो गए थे घर में आके और आपके लिए ब्लॉग एडिट नहीं कर पाए, पता था मेरे को आज ब्लॉग एडिट नहीं कर पाऊंगा और अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा, तो हो गया वो कुछ। तो इस वीडियो में मैं क्यों ये टॉपिक डिसाइड किया, पल्सर NS 200, आप समझ गए होंगे आई थिंक टू से, मेरा टाइटल देख के समझ गए होंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करने ला, लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लास्ट में बोलते हैं, चलो anymore, bro, my ass is paining. Oh fuck. तो देख सकते हो गाइस, रेलवे क्रॉसिंग पे हैं इसलिए, और हमारी सीट को देखो, आई होप यू कैन ऑब्जर्व क्या है एफ के मार, बहुत दर्द दे रही है NS मैन। गाइस एट लास्ट रीच्ड एंड माय फैट एस इज पेनिंग, कैसे हो गया अभी भी देखो यार, वाह दिस NS, ही वॉज द राइडर इस हेलमेट के साथ, बहुत अच्छी राइडिंग की है। तो हम आए मंदिर, ओके मंदिर, ओहो हमारे शिव जी भगवान आप देख पा रहे हो आई होप सो, बैटरी कम है हमारे मोबाइल में, इज 198। गाइज आपने शॉर्ट वीडियो देखा जो मैं बैंगलोर से मैसूर जा रहा हूँ, मेरे को ये प्लान एक्चुअली हाफ ऑफ द वे के बाद ही आया, बिकॉज हाफ ऑफ द वे के बाद ही मेरे को एहसास हुआ अराउंड क्या यार 50-60 किलोमीटर बैठ गया हूँ गाड़ी पे पल्सर NS 200, उसकी सीट इतनी हार्ड है कि मेरे बम्स जो है दुखने लग गए थे। और मैं पल्सर NS को क्यों 10 out of 10 रेटिंग नहीं कर सकता होल साइकिल में, आई मीन टू से सब, इंजिन वाइब्रेशन, सीटिंग कम्फर्टेबल, राइडिंग कम्फर्टेबल, लॉन्ग राइड, इंजन हीटिंग, सब मिला के 10 out of 10 तो बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। इवन मैं नीलिमा को भी नहीं देता 10 out of 10, कौन सी भी बाइक है 10 out of 10 नहीं दे सकते, बिकॉज हर बाइक में कमी आती है। बट सीइंग अराउंड NS से नीलिमा बहुत अच्छी है, आई मीन टू से R15 बहुत अच्छी है। एंड थैंक यू गाइज, हर किसी ने मेरे को रिप्लाई दिया, इंस्टाग्राम में स्टोरी को रिप्लाई दिया कि क्या मिसिंग है,
थैंक यू. अभी क्या मिसिंग है गाइज, अभी आपने वीडियो देख रहे हो तो आप ही कमेंट कर देना क्या मिसिंग था मेरे राइड में करके, ठीक है. तो गाइज मेरे को पहली बात अच्छी नहीं लगी कि सीटिंग कंफर्टेबल अच्छा नहीं था पिलियन राइडर का. वो मैं पिलियन राइडर था, मैं खुद एक्सपीरियंस किया आज. बजाज ने ना सीटिंग कंफर्टेबल सीट जो है फुल हार्ड दी है, सॉफ्ट सीट देनी चाहिए थी फर्स्ट. द सेकेंड रीजन, गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम, आई मीन टू से वाइब्रेशन बहुत आ रहा था. गए 50-60 किलोमीटर के बाद वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन. एंड गाड़ी का टॉप स्पीड बात करें गाइस, लाइक 140 प्लस थी, लाइक पिलियन के साथ ही 140 प्लस थी गाड़ी. बट इनिशियल पिकअप स्टार्टिंग था, जाते 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 फुल कम हो गया. हम नंजिंगुड से आते 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 गाड़ी को तो लाइक एक्सेल भी बीट कर चुकी है, ऐसे लग रहा था हमें. क्या करें, अभी कंपेयर तो नहीं कर सकते. फिर हम नंजिंगुड से आते आते गाइस गाड़ी की पिकअप इतनी डाउन हो गई कि हम कुछ नहीं कर पाते. लाइक इतनी इनिशियल टॉप नहीं थी और इतनी इनिशियल नहीं पकड़ रही थी गाड़ी. और इंजन की बात किया जाए तो हर 50-60 किलोमीटर पे इंजन गर्म होके, इंजन जो अंदर कूलेंट है वो स्टार्ट हो जाता था. पंखा चलना, अंदर है या नहीं है पंखा पता नहीं, बट चल रहा था, क्या करें, ठीक है. तो गाइज थोड़ी देर मैंने भी चलाई गाड़ी. तो राइडिंग की बात किया जाए तो राइडिंग इज़ वेरी गुड, राइडिंग बहुत अच्छा है. बट हाँ, लॉन्ग नहीं चला सकते, टॉप एंड नहीं मार सकते. टॉप एंड झुक के मारना, नेकेड बॉडी है. और डिसअपॉइंटमेंट दिया है पल्सर 200 NS ने आज मेरे को. आज मेरा पहला राइड था पल्सर के साथ. RS के साथ मैं जा सकता हूँ, रेसिंग स्पोर्ट्स 200 पल्सर RS के साथ मैं जा सकता हूँ. आई मीन टू से बहुत लॉन्ग मार सकता हूँ बिकॉज आदत पड़ गई है नीलिमा को लेके. बट द मेन थिंग NS को लाइक ओके, बट पिलियन के साथ मत जाना गाइस लॉन्ग राइड पे. इट्स ऑल ओवर अराउंड लाइक हमने 400 किलोमीटर के आसपास राइड किया है और 192 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड किया है, जो यहाँ से लेके मंदिर में देख लिया होगा आपने सब वीडियो में. माइलेज तो था ही नहीं गाड़ी में, 800 रुपीज का पेट्रोल, बाद में 400, टोटल लगभग 1500 का पेट्रोल भरवा दिया सिर्फ हमें 300-400 किलोमीटर के लिए. बहुत ज़्यादा था यार, नीलिमा में भी भर सकता था इतना, क्या करें. तो गाइज इतनी प्रॉब्लम्स बोल दी है, वाइब्रेशन, इंजन, माइलेज. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पल्सर मत खरीदो. हाँ मेरे को पता है इस वीडियो में ही पल्सर जो ओन करते हैं, ओनर ऑफ द पल्सर भी देख रहे हैं कि क्या डिसअपॉइंटमेंट है. बट ये चीज़ ध्यान में रखो, अगर लॉन्ग जा रहे हो अपने पिलियन के साथ, फैमिली, गर्ल फ्रेंड, सिस्टर, मदर, ब्रदर, कोई भी हो, कंफर्टेबल तो रहना ही ना. अगर वही कंफर्टेबल नहीं है तो राइडर कैसे कंफर्टेबल रह पाएगा. बहुत टॉर्चर देगा राइडर को दैट ही इज नॉट एबल टू सीट, ही इज नॉट एबल टू सीट. मैंने भी ऐसे ही किया, मेरे भाई से बात किया, मैंने पीछे उसको पीछे भेजा, मैं आगे जाके बैठा, राइड किया. लाइक लो यार, हद ही कर रही. लाइक मैं क्यों ये वीडियो बनाया, इन अ सेंस आई वॉज टोटली अनकम्फर्टेबल, पिकअप डाउन हो गया था. ये क्यों दे रहा है पल्सर, इतनी अच्छी गाड़ी है, क्यों ऐसे कर रहा है. दैट्स ओनली द रीजन गाइज. आई होप अगर पल्सर वाले कंपनी, बजाज वाले कोई वीडियो देख रहे हैं तो सीटिंग पोस्चर जो है थोड़ा कंफर्टेबल कर दो. गाड़ी तो बिंदास अच्छी गाड़ी है, यही कहना चाहता हूँ, वीडियो एंड करना चाहता हूँ. तो गाइज अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमेशा की तरह लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है गाइज. हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना, दिस इज माई लाइफ ऑन आरम फाइलिंग, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में. मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल दैट राइड सेफ गाइज, राइड हार्ड. स्पीड गिव्स यू अ थ्रिल बट इट कैन किल यू गाइज, सो राइड सेफ. हमें अगले ब्लॉग में मिलना है, आपसे बात करनी है, तब तक हम अलविदा लेते हैं, ठीक है. तो चलते हैं.